क्या आप भी सोच रहे हो कि आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने लगी, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सऊदी अरब के सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब के अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपकी बेसिक सैलरी कितनी लगती है, आपको ट्रिप कितना मिलता है और आपके महीने भर की सैलरी कितने तक आ जाती है, और अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी लाइसेंस बना कर देती है या आपको बनाना पड़ता है, और अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी की वैकेंसी कौन से ऑफिस में आती है, सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर आप भी सऊदी अरब के अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, यह आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब के अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं गल्फ जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब के अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी अरब के अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी 1960 में बनी थी, यानी 1960 में बनी थी, और इसका हेड ऑफिस दमाम में है। दोस्तों बहुत ही बड़ा कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है, और अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसकी बेसिक सैलरी 1300 से 1400 प्लस ट्रिप लगती है, और महीने भर की सैलरी 2800 से लेके 3500 4000 तक आ जाती है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जितना ट्रिप लगाओगे उतनी आपकी सैलरी बन जाएगी। और दोस्तों अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको कंपनी लाइसेंस बना कर देती है। शुरू में आप नए आते हो तो आपका एक दो महीना तो अखामा बनने में लग जाता है, उसके बाद आपके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, यानी आपको 3-4 महीने में कंपनी लाइसेंस बना कर दे देती है, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और दोस्तों अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल बाद में आपको 3-4 महीने की छुट्टी मिल जाती है, साथ में आपको आने जाने का टिकट मिलता है, साथ में आपको बोनस मिलता है। और दोस्तों अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी में कभी आपको इमरजेंसी काम होता है तो आपको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपको टिकट अपना लेना पड़ता है। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का कॉमेंट आ रहा था कि भाई अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी फ्रेश ड्राइवर लेती है या रिटर्न ड्राइवर लेती है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी फ्रेश ड्राइवर भी लेती है और रिटर्न ड्राइवर भी लेती है। और दोस्तों एक लिहाज से देखा जाए तो सऊदी का बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही बड़ा कंपनी है। आपको इन फ्यूचर मौका मिले सऊदी अरब के अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी में आने का तो आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दोस्तों अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो भी भाई आना चाहता है अपना नाम और अपनी कंट्री का नाम कमेंट में लिखे, जब भी वैकेंसी आएगी तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि मेरा कोई भी भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से अगर विदेश आता है तो वो अच्छी कंपनी में आए, अच्छी सैलरी पे आए, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद रहता है। और दोस्तों आप जब भी विदेश आते हो तो एजेंटों के चक्कर में ना पड़ा करो, डायरेक्ट ऑफिस में जाओ, वहाँ से आप अप्लाई करो, वहाँ पे आपका कम से कम सर्विस चार्ज लगेगा और आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। दोस्तों एजेंट लोग कभी कभी फ्री वैकेंसी का भी हमसे 1-1.5 लाख रुपया ले लेता है, इसलिए आप डायरेक्ट ऑफिस में जाए, वहाँ से अप्लाई करें। तो दोस्तों आप सऊदी की किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो, कंपनी का पूरा नाम लिखे ताकि हम आपको जल्द से जल्द जानकारी दे सकें। दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको सऊदी अरब के अलशेफ ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।